वहीं मॉनसून की पहली ही बारिश ने जालौन में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एक घंटे की मूसलाधार बारिश से शहर में जलभराव हो गया, सड़कें तालाब नजर आने लगी, जिससे राहगीरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोगों का कहना है कि नगर पालिका ने नालों में साफ सफाई नहीं करवाई थी, जिस वजह से ये समस्या पैदा हुई है। तो मॉनसून की ये तस्वीरें देख सकते हैं, जालौन की ये तस्वीरें हैं। जलभराव की वजह से लोगों को खास मुश्किलें का सामना करना पड़ रहा है। हर तरफ जिधर भी नजर दौड़ाएंगे, हर तरफ पानी ही पानी दिखेगा। जलभराव की समस्या सामने है सबके। जलभराव की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है और आप देख सकते हैं किस तरीके से बाइक और कार सभी जलमग्न हो चुकी हैं। दुकानों में पानी भर रहा है, लोग खास परेशानी से जूझ रहे हैं। खबर बारिश की, आपको बता दें कि बारिश ने हापुड़ में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रेलवे अंडरपास में पानी भर जाने की वजह से अंडरपास तालाब में तब्दील हो गया है। अंडरपास में पानी भर जाने से एक कार वहां पर फंस गई और कार के अंदर पानी भर जाने की वजह से कार सवार युवक अपनी जान बचाने के लिए कार की छत पर चढ़ गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से अपनी जान बचाने के लिए युवक कार की छत पर बैठा हुआ है, क्योंकि अंडरपास में कार फंस गई है। ना वो पीछे जा सकता है ना वो आगे जा सकता है। जलभराव की वजह से कार फंसी हुई है और अपनी जान बचाने के लिए किस तरीके से शख्स संघर्ष कर रहा है छत पर बैठ करके, ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। रेलवे अंडरपास की ये तस्वीरें हैं जहां पर शख्स की कार फंस जाती है और फिर अपनी जान बचाने के लिए वो छत पर चढ़ जाता है, क्योंकि पानी इतना ज्यादा है कि कार इधर से उधर नहीं जा सकती और अपनी जान बचाने के लिए शख्स छत पर बैठा हुआ है। अंडरपास की ये तस्वीरें हैं, पानी भरने की वजह से कार फंसी हुई है और शख्स की जद्दोजहद आप देख सकते हैं किस तरीके से अपनी जान बचाने के लिए कार की छत पर बैठा है। नोएडा के हरोला में जलभराव की समस्या से ग्रामीण परेशान है। इसी को लेकर लोगों ने शव यात्रा निकाली। लोगों का कहना है कि जलभराव की वजह से उन्हें काफी परेशानी हो रही है, मगर फिर भी उनकी समस्या की तरफ किसी का ध्यान नहीं आ रहा है। लोगों का कहना है कि काफी समय से नालों की साफ सफाई का काम नहीं हो पाया है, जिस वजह से बरसात के मौसम में समस्या और बढ़ गई है। वहीं अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया है, काशी का को क्योटा बनाने चले थे लेकिन वेनिस बन गया है और बारिश ने दिखाया भाजपा विकास का सच। ये बड़ा हमला अखिलेश यादव की तरफ से, ट्वीट कर लिखा कि काशी को क्योटा बनाने चले थे लेकिन वेनिस बना दिया। ये भाजपा पर निशाना है, भाजपा पार्टी पर निशाना है और बारिश ने दिखाया भाजपा विकास का सच, ये भी कह रहे हैं अखिलेश यादव। बड़ा निशाना साधा है अखिलेश यादव ने भाजपा पर। तस्वीरें देख सकते हैं, नोएडा की ये तस्वीरें हैं जहां पर जलभराव की समस्या आप खुद आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग जूझ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने देखिए कैसे उन्होंने ट्वीट किया और साथ में पिक्चर भी दिया है कि किस तरीके से लोग वहां पर समस्याओं से जूझ रहे हैं, जलभराव की समस्या। वहीं बारिश की वजह से मुरादाबाद में किसानों की टमाटर की फसल बर्बाद हो गई है। किसानों का कहना है कि पिछले कुछ रोज से बारिश लगातार हो रही है, जिस वजह से खेतों में पानी भर गया और ऐसे में किसानों की खेतों में खड़ी फसल खराब हुई है। देख सकते हैं आप कि किस तरीके से लगातार कुछ दिनों से बारिश होने की वजह से टमाटर की फसलें जो है वो बर्बाद हो गई। पंद्रह दिन पहले 2 रुपये किलो टमाटर ना उठा हमारा। अच्छा, अब इस समय माल खराब होने की वजह पे जो है 100 रुपये किलो टमाटर उठ रहा है। अच्छा, टमाटर है ही ना हमारे खेतों में। ये हालत क्यों हुई है इसकी टमाटर की? ये तो बरसात की वजह से हुई है। अच्छा, जिससे कि बरसात में टमाटर की खेती बहुत नाजुक होती है। हाँ, तो टमाटर खराब होने का ये जलने का आप देख रहे हो कैसा हो रहा है, सब अलग अलग। वहीं बारिश से टमाटर की फसल को नुकसान पहुंच रहा है, ऐसे में मंडी में टमाटर के दाम बढ़ गए हैं। कुछ रोज पहले तक जहां टमाटर 40 से 50 रुपए किलो था, वहीं अब उसका दाम
60 से 80 रुपए किलो हो गया है। महंगाई की मार्ग से सिर्फ टमाटर ही लाल नहीं है, रोजमर्रा की बाकी चीजें भी महंगी हो गई हैं। केदारनाथ यात्रा पर खराब मौसम की मार पड़ रही है, धाम में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिस वजह से केदारनाथ धाम पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उधर प्रशासन की तरफ से तीर्थयात्रियों से कहा गया है कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी को ध्यान में रखकर यात्रा करें। 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हो गई थी, अब तक करीब 11 लाख तीर्थयात्री केदारनाथ धाम में दर्शन कर चुके हैं। बद्रीनाथ धाम में खराब मौसम के बावजूद यात्रियों में उत्साह है, मंदिर के बाहर लगी श्रद्धालुओं की लंबी कतार है। यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 10 लाख यात्री ने किए दर्शन। तो बद्रीनाथ धाम में खराब मौसम के बावजूद लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, श्रद्धालुओं में लगातार उत्साह देखने को मिल रहा है। यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 10 लाख यात्री दर्शन कर चुके हैं और अभी भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। बद्रीनाथ धाम में खराब मौसम के बावजूद यात्रियों में उत्साह है और प्रशासन की तरफ से ये भी निर्देश दिए गए हैं कि मौसम को देख करके यात्रा की जाए। सांसद मेनका संजय गांधी सुल्तानपुर दौरे पर रही और इस दौरान उन्होंने प्रबुद्ध जनों से संवाद कर केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों की जानकारी दी है। मेनका गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से देश मजबूत हो रहा है और इससे पहले उन्होंने अपने कैंप कार्यालय पर जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं भी सुनी हैं। जनता दर्शन कार्यक्रम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उधर ललितपुर में 35 फीट गहरे गड्ढे में दबे युवक को सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है। युवक को रेस्क्यू करने के बाद अस्पताल ले जाया गया जहां उसे खतरे से बाहर बताया जा रहा है। दरअसल एक युवक बोरिंग के समय गड्ढे के मलबे में दब गया था और ग्रामीण के जानकारी देने पर युवक को बचाने की मुहिम शुरू कर दी गई थी। आखिरकार युवक को सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है। कल बोरिंग करते समय गड्ढे में युवक गिर गया था जिसकी वजह से मिट्टी उसके ऊपर गिर गया और वो दबने की खबर आई थी। कल से रेस्क्यू टीम वहां पर जद्दोजहद में लगी थी ताकि उसे रेस्क्यू कर लिया जाए, लेकिन अब उसे सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। उसका इलाज चल रहा है और उसे खतरे से बाहर बताया गया है। 35 फीट गड्ढे में वो युवक गिरा था और अब उसे बाहर निकाल लिया गया है। बागपत में दो गुटों के बीच मारपीट और पथराव हुआ है। बताया जा रहा है कि एक पक्ष के लोगों ने मस्जिद की छत पर चढ़कर ईंट और पत्थर बरसाए जिसके इलाके में अफरा तफरी मच गई और पथराव में 4 लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से मामला शांत करा लिया है, मगर पुलिस फिर भी हालत पर नजर बनाए हुए। सोनभद्र पुलिस ने 1550 पेटी अवैध शराब बरामद की है। शराब की ये पेटियां कंटेनर से बरामद हुई हैं। पुलिस ने इस मामले में 2 बड़े शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस शराब को सिरमौर हिमाचल प्रदेश से झारखंड के रास्ते कोलकाता ले जाया जा रहा था, मगर सोनभद्र पुलिस ने चेकिंग के दौरान तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। बरामद शराब की कीमत करीब 75 लाख रुपए बताई जा रही है। महाराजगंज में पुलिस ने 90 ग्राम हीरोइन के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। बरामद हीरोइन की कीमत करीब 80 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई। आरोपी सलमान के पास से नेपाली नोटों के साथ बाइक बरामद हुई है। पूछताछ में आरोपी युवक ने बताया कि वो नेपाल से हीरोइन लेकर आया था और उसे सीमावर्तीय क्षेत्रों में सप्लाई करना है।
चित्रकूट जिले में कई जगह अवैध गुटखा फैक्ट्री के संचालित होने की सूचना पर छापेमारी हुई है। पुलिस की 5 टीमों ने अवैध गुटखा फैक्ट्री के ठिकानों पर छापा मारकर बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान 3 फैक्ट्रियां अवैध रूप से संचालित हो रही हैं। इससे बड़ी मात्रा में अवैध गुटखा सामग्री और उपकरण बरामद हुए हैं। पुलिस ने गुटखा फैक्ट्री के मालिक और उसके मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं कानपुर में ससुराल के लोगों पर बहू की पिटाई का आरोप लगा है। मामले की जानकारी के बाद जब मायके वाले लड़की का हालचाल जानने पहुंचे तो उनकी भी पिटाई कर दी गई। बताया जा रहा है कि अभी एक दिन पहले ही बहू के साथ हुई मारपीट को लेकर समझौता करने के लिए मायके वाले गए थे। आरोप है कि ससुराल के लोगों ने मायके वालों पर चाकुओं से हमला कर दिया जिसमें 3 लोग घायल हो गए। आरोप है कि ससुराल के लोग लगातार दहेज की मांग करते रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बांदा में दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला। एक कार सड़क किनारे पर खड़े ट्रक से टकरा गई और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 5 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि एक शख्स की अस्पताल में जलकर इलाज के दौरान मौत हो गई। अभी भी 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये सभी लोग तिलौसा गाँव के रहने वाले हैं। उधर सहारनपुर के अस्पताल में चंद्रशेखर आजाद को घर भेज दिया गया है। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों से बातचीत के बाद चंद्रशेखर के समर्थक मान गए हैं और जिसके बाद चंद्रशेखर को अस्पताल से घर भेज दिया गया। चंद्रशेखर पर हुए हमले को लेकर उनके समर्थकों में गुस्सा है। वहीं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर सहारनपुर में हुए हमले के बाद भी आर्मी के कार्यकर्ता आक्रोशित हैं। इसे लेकर मेरठ में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन के जरिए यूपी सरकार को ज्ञापन सौंपा जिसमें चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई है। साथ ही हमलावरों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की भी मांग की गई है। इस दौरान भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर की सुरक्षा नहीं बढ़ाई जाती है तो वे इसका चंदा इकट्ठा करेंगे और सरकार को देंगे। चंद्रशेखर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग करेंगे। और अब बात कर लेते हैं भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण पर हुए हमले की। तो इस हमले से 4 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया था जिसमें क्षत्रिय ऑफ अमेठी फेसबुक पेज से चंद्रशेखर रावण को जान से मारने की धमकी दी गई थी। फेसबुक पेज पर लिखा गया था कि चंद्रशेखर रावण को जिस दिन भी मारेंगे अमेठी के ठाकुर ही मारेंगे। इस मामले में गौरीगंज थाने में अज्ञात के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। वहीं उन्नाव में नोट के बंडल के साथ थानेदार के परिजनों का फोटो वायरल हो रहा है जिसमें थानेदार के परिवार के लोग करीब 14 लाख रुपए के साथ फोटो खिंचवाते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो SHO बेहटा मुजावर के परिवार का है। बताया जा रहा तस्वीर में नजर आ रहा ये बिस्तर पर 500 के नोटों की गड्डियां भी पड़ी हुई हैं और थानेदार के परिजनों नोटों की 27 गड्डियों लेकर बैठे हुए हैं। मामले पर SP ने संज्ञान लिया और उप निरीक्षक रमेश चंद्र सहानी को लाइन हाजिर कर दिया। अयोध्या में एंट्री के साथ ही लोगों को उत्साह उसकी भव्यता का एहसास हो इसके लिए योजना बनाकर काम हो रहा है। अयोध्या में प्रवेश के लिए 6 भव्य द्वार बनाने की तैयारी की जा रही है। प्रोजेक्ट पर 15 करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च होने के अनुमान है। प्रोजेक्ट की धनराशि के लिए बड़े व्यवसायियों की मदद ली जा रही है। इसी क्रम में अमेठी के एक मसाला व्यवसाय ने 2.5 करोड़ की मदद की है तो कई और व्यवसायियों ने भी मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। कुछ हम लोग नई चीज़ें प्रपोज कर रहे हैं और ऐसे बहुत सारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, बिजनेस हाउसेज हैं जो यहाँ पर कंट्रीब्यूट करने के इच्छुक हैं। तो कुछ ऐसे वेलकम गेट्स हैं जो हम लोग बनाने के इच्छुक हैं जिनकी डिज़ाइन हम लोगों ने एक डिज़ाइन कॉम्पिटिशन किया गया था, ग्लोबल डिज़ाइन कॉम्पिटिशन हुआ था, उसमें कुछ डिज़ाइन आई हैं तो उसमें जो बहुत ही उत्कृष्ट डिज़ाइन हैं उनको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे ग्राउंड पर। और कुछ ऐसे
इधर पिथौरागढ़ के घाट क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायत पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। रामगंगा नदी में जेसीबी से अवैध खनन करने की लगातार शिकायतें आ रही थी। प्रशासन की टीम ने घाट क्षेत्र में छापेमारी कर खनन में लगे एक पोकलैंड और एक जेसीबी को सीज कर लिया है। घाट क्षेत्र में मशीनों के द्वारा खनन की घटना संज्ञान में आई थी, इसलिए मैंने यहाँ से तहसीलदार और खनन अधिकारी और पुलिस की संयुक्त टीम वहाँ पर भेजी थी। तो वहाँ पे एक पोकलैंड जेसीबी और कुछ टिप्पर जब्त किए हैं और उनको सीज कर दिया है। उनके वजह से नोटिस भी इशू किया जा रहा है और जिस तरह भी अवैध गतिविधियाँ हैं उसको पूरी तरीके से हम लोगों ने रोका है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही, खबरें और भी हैं, आप बने रहें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।